सर अब अंदर से आप दे सकते हैं। जाइए मैडम, आइए मैम, आइए, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। सर किस तरह का जी यहाँ पे बूथ का उद्घाटन और क्या है? प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से जो है मिशन शक्ति का अभियान चलाया गया, जिस क्रम में जो है यह एक अभियान था कि प्रदेश भर में जगह जगह पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी क्रम में आज जो है बीएचयू परिसर में भी एक पिंक बूथ की स्थापना की गई और जिसका आज जो है उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो परिसर में, उनको जो भी अपनी दिक्कतें होती हैं वो महिला कांस्टेबल से आसानी से अपनी बात कह सकती हैं, तो उनको आसानी से जो पुलिस की सेवाएं हैं, जो उनके विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनसे उनको अवगत कराना और उनका उसको भरपूर प्रयोग करना। यहाँ पे कितने महिला कांस्टेबल को रखा जाएगा? ये हम लोग शिफ्टवार जो है यहाँ पे महिला कांस्टेबल की नियुक्ति करेंगे, जिससे कि इन लोगों को जो है बेहतर सुविधा मिल सके। नहीं, ये पूरी कमिश्नरेट, वाराणसी कमिश्नरेट में प्राथमिक ये टारगेट था कि हर थाने पे कम से कम एक हो। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद हम लोग इसको जगह जगह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर कैंपस में सर, जहाँ हाँ जहाँ भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी, जहाँ पे काफ़ी जो है संवेदनशील एरिया है, भीड़ भाड़ है, बच्चियाँ ज़्यादा हैं या महिलाओं का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर हम इस प्रकार की पिंक बूथ की स्थापना कर रहे हैं। श्रीवास्तव, मैं कुल सचिव, प्रभारी कुल सचिव IIT BHU में, और आज जो संस्थान में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से पिंक बूथ की स्थापना हुई है, उसके लिए मैं संस्थान की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इससे निश्चित रूप से जो संस्थान में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर से जो हमारे इस परिसर में हैं, उनके अंदर एक विश्वास का माहौल व्याप्त होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि इसकी स्थापना से जो मिस्क्रियंट्स हैं उनके ऊपर भी लगाम लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जो प्रोक्टोरियल टीम है, अब उनके पास हाईटेक कैमरे भी देखने को मिल रहे हैं, वो अपने गले में लगा के रखें, और भी क्या सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं सुरक्षा के लिए? हम लोग सुरक्षा के लिए सतत तत्पर हैं और इस दिशा में कई का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ हाई एंड कैमरे चौराहों पे लगाए जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो जल्दी ही फलीभूत होगा और उससे भी हमारी सुरक्षा और सुदृढ़ होगी। और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको क्या क्या अधिक वो दिया गया व्यवस्थाएं? सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई गई है और उनकी ड्यूटी इस तरह से लगाई जा रही है कि जो हमारे ऐसे एरियाज हैं जो सेंसिटिव हैं, तो उसमें उनकी उपस्थिति हमेशा रहेगी।